विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि तमाम टीमें विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हुए नजर आ रही हैं। तमाम मुकाबले दुनिया भर के कई मैदान में हो रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दें कि अब एक बड़ी खबर विजय हजारे ट्रॉफी को लेकर सामने आई है। दरअसल आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा रह चुके और साथ ही जम्मू कश्मीर टीम के स्टार क्रिकेटर अब्दुल समदा चोट के कारण विजय हजारे ट्रॉफी 2022 से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा उन्हीं के साथ ही खिलाड़ी शाहरुख डार भी चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। दोनों खिलाड़ी यानी कि अब्दुल समद और शाहरुख डार अब आगामी मैचेस खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके बदले टीम ने रिप्लेसमेंट खिलाड़ी को भी चुन लिया है। आपको ये बता दें कि दोनों खिलाड़ी चोट के चलते बाहर हुए हैं। अब्दुल समद और शाहरुख डार के बदले रैना और रोहित शर्मा को टीम के अंदर शामिल किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि आपको रोहित शर्मा और रैना का नाम सुनकर थोड़ा सा चंबा हुआ होगा, लेकिन आपके इस प्रश्न का उत्तर है कि श्रियांश रैना और साथ ही मीडियम पेसर रोहित शर्मा जम्मू कश्मीर टीम का हिस्सा हुए हैं, जो कि अब्दुल समद और शाहरुख डार को रिप्लेस करेंगे। समद और शाहरुख डार के चोटिल होने के कारण टीम को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। श्रियांश रैना जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और साथ ही मीडियम पेसर रोहित शर्मा अब टीम के साथ जुड़े हैं और टीम को मजबूती देने का पूरा प्रयास करेंगे। रिप्लेसमेंट के तौर पर दोनों खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर लिया गया है। आपको ये बता दें कि अब्दुल समद को लिगामेंट में चोट लगी है। इसके अलावा शाहरुख डार पंजाब के खिलाफ फील्डिंग कर रहे थे, इसी दौरान उनके कंधे में चोट लगी, इसी वजह से दोनों खिलाड़ी बाहर हो गए हैं और अब खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। वहीं अब्दुल समद के बारे में आपको बता दें कि साल 2020 से ही वह आईपीएल में हैदराबाद टीम का हिस्सा हैं। टीम ने अब उन्हें रिलीज कर दिया है, हालांकि 4 करोड़ रुपये में उस समय में टीम ने उन्हें खरीदा था और अपनी टीम में शामिल किया था। बहरहाल क्या कुछ आपकी राय है रैना और रोहित शर्मा अब जम्मू कश्मीर की टीम में खेलेंगे इसको लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।